हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे अपन अभी तक अपने एज टूर्नामेंट में अपन ने क्या क्या चेंज कराया है, मतलब 2015 से लेकर अभी तक क्या क्या चेंज हुआ बाइक में। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो तो वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके आप लोग पूछ लीजिएगा। हाँ तो गाइस, वीडियो में आपको बताता हूँ अभी तक अपन ने इसमें क्या क्या चेंज कराया है एज 200 में। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये कूलेंट का बॉक्स चेंज है, और ये एस 200 का नहीं, ये एन एस 200 का है, और ये थोड़ा सही दिखता भी नहीं। आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा गेप है, इसमें जो आता है वो थोड़ा अलग होता है, यहाँ पे थोड़ा सा का अलग टाइप का इसमें ग्लास होता है, और ये ग्लास अलग है, आप देख सकते हो। और क्या क्या चेंज हुआ है तो गाइस अभी इसमें और अपन बताते हैं, ये एक साइड की शॉक ऑफ रॉड ये चेंज हुई है, सस्पेंशन और क्या चेंज हुआ है, और बाकी डिस्क पैड तो कम से कम गिनती नहीं कितने बार चेंज हुए हैं, ठीक है। और यहाँ का ये चेंज हुआ है जिसमें डिस्क ब्रेक का ऑयल रहता है डब्बी, ये दूसरी बाइक की है, ये मतलब अपनी पल्सर की नहीं है, एनएस की। और ये रियर सिलेंडर भी चेंज हो चुका है, ठीक है। और ये बता दूँ, ये मैंने 99rpm.com से मंगाया था। और गाइस, ये जो सीट देख रहे हो आप, ये सीट भी चेंज हो चुकी है, ये जो सीट है ये क्या बोलते हैं, अभी जो नई बाइक आ रही है NS 200 BS6 उसकी सीट है, इसमें कुछ नहीं है, बस आपको मंगवाना है नई, और बस जैसी वो निकाली थी आपने ओल्ड वाली वैसी फ़िट करना है, बाकी ये हल्की सी पतली है और ये ख़राब हो चुकी थी, इस वजह से मैंने इसमें इसको चेंज करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर गेप बहुत ज़्यादा आ गया था और इसके कुशंस बहुत ज़्यादा हार्ड हो गए थे, ठीक है। और बता दूँ क्या चेंज हुआ है, और बताता हूँ आपको। और गाइस, एक बार चेनिस स्प्रॉकेट मैंने चेंज करवाया है, और फ्रंट वाली डिस्क प्लेट भी चेंज करवाई है, ठीक है। बाकी कैलिपर के ब्रेक कैलिपर के अंदर के कुछ पार्ट्स अपन ने चेंज कराए, बाकी बॉडी पूरी वही है, बाकी क्लच वायर 3 बार चेंज हुआ है, ठीक है। बाकी इसके हेडलाइट के बल्ब दोनों एक एक बार चेंज हुए हैं, ठीक है। इनमें मैंने कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करवाया है, जो है वही है, बाकी जो ओरिजिनल इंडिकेटर थे वो मैंने निकाल दिए, यहाँ पे मैंने LED वाले इंडिकेटर लगाए थे जो कि वो सक्सेस नहीं हुए, क्योंकि वो ओरिजिनल मिल नहीं पाए थे मुझे, ठीक है। बाकी हेडलाइट के दोनों बल्ब चेंज हुए, डीपर भी और अपर भी। बाकी इसमें का एक साइड का अपना पायलट लाइट फ्यूज हो चुका है, मतलब ख़राब हो चुका है। बाकी ये क्लच लीवर 2 या 3 बार चेंज हुआ है, बाकी ये सब ओल्ड ही है। बाकी यहाँ का मास्टर सिलेंडर भी मतलब सब बढ़िया है, इसको कुछ चेंज नहीं कराया ना, ये इधर साइड का चेंज हुई है बटन स्विच, बाकी सब वही है। बाकी दो बार स्पार्क प्लग चेंज हुए, इसमें से जो मेन स्पार्क प्लग है प्राइमरी वो एक ही बार चेंज हुआ है। बाकी अपन ने ये रियर सस्पेंशन जो आप देख रहे हो ये भी चेंज हुआ है, ये एक बार नया डलवाया, और इसकी कीमत कुछ मुझे याद नहीं है, समथिंग 4000 का पड़ा था, ठीक है। बाकी सब वही है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हुआ बाइक में, सब यही है। और मैं आपको थोड़ा और क्या बताऊं, बाकी ये जो आप बॉडी देख रहे हो बॉडी भी वही है, ठीक है। यहाँ पे बॉडी थोड़ी सी टूट गई है, अब ये टूटने का कारण ये है कि बहुत बार खोलने की वजह से बॉडी टूट गई है, और आप देख सकते हो यहाँ पे डबल टेप लगे हुए हैं, और यहाँ के बोल्ट गिर चुके हैं, ठीक है। ये बोल्ट इसलिए गिर चुके हैं क्योंकि क्या बोलते हैं, इनके अंदर प्ले बहुत ज़्यादा आ गए थे और ये नट अच्छे से टाइट नहीं हो पाए थे, ठीक है। बाकी सब चीज़ वही है जो कंपनी की थी, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ बॉडी में गैप आ गया है, और यहाँ के भी नट निकल गए हैं, गिर भी गए हैं, क्योंकि बहुत बार ऑफ रोडिंग करने की वजह से ये सब चीज़ें लूज़ होकर निकल जाती गई, तो ये भी करवाया है। बाकी तो सर्विस होती है वो तो आप सबको पता है, बाकी सब चीज़ें वही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ बाइक में, जो कंपनी से वही है। बाकी टायर अपने 3-4 पीछे वाले टायर 3 बार चेंज हो चुका है, और सामने वाला 2 बार, और अभी अपनी गाड़ी 75,000 किलोमीटर चल चुकी है, जिसमें से 10-15,000 किलोमीटर तक मीटर अपना बंद था, ठीक है गाइस। बाकी और बता दूँ मैं आपको, तो अगर आप मीटर में देखोगे
अगर आप मीटर में देखोगे तो ये गाड़ी कितनी चली हुई है, 64,330 किलोमीटर। लेकिन गाइस 10-15,000 किलोमीटर तक मीटर बंद था मेरी बाइक का, क्योंकि इसका जो मीटर का गियर है वो मिल नहीं रहा था। ठीक है, मिल रहा था NS का, लेकिन उसका वायर छोटा था और इसमें जो वायर लगता है वो लंबा था, तो इस वजह से थोड़ा लेट मिला इस वजह से। बाकी गाड़ी में हर एक चीज़ प्रॉपर वर्क कर रही है, हर एक चीज़ चालू, मीटर पूरा चालू है। ठीक है, बाकी गाड़ी ने अभी तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करी है, बस आपको पता है एक बार वॉल हेड का काम हुआ था, वो भी मेरी वजह से, मैंने टाइम पे स्पार्क प्लग चेंज नहीं करवाया था। बाकी सीट का आपको बता दिए, सीट BS6 बाइक NS 200 की लगी हुई नहीं। बाकी आप ये देख सकते हो ओल्ड वाली सीट थोड़ी सी ज़्यादा मोटी सी है। ठीक है, बाकी ये सही है, इसे भी मुझे चेंज करवाना है क्योंकि ये हार्ड हो गई है। ठीक है, इसे भी मुझे चेंज करवाना है। और बाकी गियर लीवर सब कुछ वही है। ठीक है, चाइनीज स्प्रॉकेट एक बार का चेंज हो चुका है। ठीक है, बाकी रेडिएटर में भी हर चीज़ सब सेम है। ठीक है गाइस, इतना ही था इस वीडियो में। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही था, बाकी मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर।